हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकेंड प्लेटर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नींबू के अचार की रेसिपी। ये रेसिपी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरी नानी की रेसिपी है। जिस किसी ने ये अचार हमारे घर टेस्ट किया है, वे इस अचार के फैन बन चुके हैं। आप ये रेसिपी देखिए और बनाइए, आप भी इस अचार के फैन बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये 1 किलोग्राम नींबू का अचार है। हमें मीडियम साइज के पके हुए नींबू लेने हैं, मतलब लगभग 24 से 25 नींबू। नींबू को हमें 10 से 12 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखना है। ये काम मैं रात में ही कर रही हूँ। मैंने बड़े से बर्तन में पानी उबाल लिया है। अब गैस बंद करके सारे नींबू इसमें डाल के कवर कर दूंगी और रात भर इसे ऐसे ही रहने दूंगी। बाकी का प्रोसेस सुबह करूंगी। सुबह मतलब 10 से 12 घंटे बाद हम सारे नींबू पानी से बाहर निकाल लेंगे। कपड़े का इस्तेमाल करके नींबू ड्राई कर लेंगे। एक एक करके सारे नींबू बीच में से काट लेने हैं। ये होने के बाद नींबू निचोड़कर उसका रस और बीज अलग कर लेंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी छलनी की। बस ऐसे करके सारे नींबू निचोड़ लेंगे। चम्मच से रगड़कर बचे पल्प को भी छान लेंगे और बीज अलग कर लेंगे। ऐसे हमने बीज और रस अलग कर लिया है। बीज के हमें जरूरत नहीं है, बीज हम फेंक देंगे। ये नींबू के टुकड़े अधिकतर लोग अचार में ऐसे साबुत ही डालते हैं, लेकिन हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहे तो साबुत टुकड़े लेकर भी ये अचार बना सकते हैं। ग्राइंड करने से पहले इसके और टुकड़े कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ये हो गया। अब ग्राइंड करने के लिए टुकड़े मिक्सर में डालेंगे। इसके साथ अलग किया हुआ नींबू का रस भी इसमें डालेंगे, ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। इसलिए याद रहे, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। सारे नींबू ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम लेंगे गुड़। कितना? तो 1 किलोग्राम नींबू के लिए 750 ग्राम गुड़। गुड़ को जैसे मैंने किया है वैसे बारीक कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम चीनी, मतलब दोस्तों 1 किलोग्राम नींबू के लिए 1 किलोग्राम मिठास, 750 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चीनी। अगर अचार आपको इससे कम या ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो इसी प्रोपोर्शन में सामग्री इस्तेमाल करें। अब इसमें नींबू अचार मसाला डालेंगे। ये 100 ग्राम का पैकेट है। दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। दो चुटकी हींग, मतलब आधा चम्मच। अब इसे मिलाने से पहले इसमें गरम तेल डालेंगे। तो आधी कटोरी तेल पैन पर गरम कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच मेथी के बीज डालेंगे। अब ये तेल इस मिश्रण पर डालेंगे। मिक्स करते हैं।
अब इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स करते हैं। अब ग्राइंड किया हुआ नींबू इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते हैं और हमारा नींबू का अचार रेडी। दोस्तों वैसे तो इस अचार को हमेशा रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, फ्रिज में रखने से ये 1 साल तक चलेगा। बिना फ्रिज में रखे भी आप इसे चला सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन पहले 2 से 3 दिन तक इसे धूप में रखना पड़ेगा, फिर आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आप ये अचार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट रेसिपीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।